अगर है आपके पास आधार कार्ड तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि UIDA ने एक नया वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और इस वेबसाइट से आप काफी सारे फायदा उठा सकते हो। चलिए हम ले चलते हैं आपको न्यू वेबसाइट में। आप इस न्यू वेबसाइट का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा मिलता है, क्योंकि लिंक आपको मिलते ही आप लिंक के पीछे भाग जाते हो, लेकिन वहां जाके आपको ये समझ में नहीं आता कि किस वाले ऑप्शन में क्या क्या काम करने वाला है। तो यहाँ पर देखो, एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है UIDA ने। ओल्ड वाला जो वेबसाइट था कुछ इस प्रकार था, यहाँ पर देख सकते हो। पहला वेबसाइट का लिंक कुछ इस प्रकार था, UIDA.gov.in। और अभी जो नया लॉन्च किया है दूसरा, इस वेबसाइट का लिंक देखोगे तो myaadhar.uida.gov.in। यहाँ पर देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा बनाया गया है। हालांकि ये सारा सर्विस यहाँ पर एड किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू फीचर दिया गया है। अब वो क्या न्यू फीचर है इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया है कि आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस लिंक में क्लिक करके फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा आपका, आप पुराने वेबसाइट में काम कर सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो इस वेबसाइट में आप विजिट करो, myaadhar.uida.gov.in। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड आधार, ऑर्डर पीवीसी कार्ड, चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, चेक एलिमेंट अपडेट, मतलब अपडेट वगैरह भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलता है अगर आप लॉगिन करते हो तो। काफी अच्छा इसका लुक दिया है, काफी ज्यादा फैसिलिटी दिया गया है। चलिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ लॉगिन बटन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है, ये कैप्चा फिलअप करना है, सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। ओटीपी में क्लिक करोगे ये बता रहा है कि ओटीपी चला गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। चलिए हम मोबाइल में देखते हैं ओटीपी आया है कि नहीं, ओटीपी डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। ओटीपी डाल दिए, हम लॉगिन में डायरेक्ट क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर कुछ बता रहा है, यहाँ पर देखिए कंप्लीट योर रिक्वेस्ट योर टेम्परेरी, कुछ इस प्रकार से अभी ये लॉगिन नहीं हुआ। चलिए हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। दोबारा ट्राई करने से पहले आपको और एक चीज बता देना चाहते हैं, यहाँ पर देखो एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। भारत का सभी लैंग्वेज है यहाँ पर, आप जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर अपना डैशबोर्ड देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। लॉगिन में क्लिक करते हैं, फटाफट लॉगिन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लॉगिन होगा। हाँ, लॉगिन होते समय आप याद रखोगे, हो सकता है आपका ओटीपी 2-3 बार वेरीफाई करे, ठीक है, क्योंकि ओटीपी कभी आता है कभी नहीं आता है। अब चलिए यहाँ पर आपका प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिया, पहले तो एक लैंग्वेज का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर आपका प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड शो कर रहा है। यहाँ पर देखो आपका आधार कार्ड फ्रंट पेज में शो कर रहा है, फोटो के साथ आपका नाम, आपका DOB सब कुछ शो कर रहा है, आपका आधार नंबर भी। अब यहाँ पर देखो इसमें क्लिक करना है फ्लिप में क्लिक करोगे तो वेबसाइट दिखाई दे रहा है। आपका वेबसाइट में आपका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, आपका एड्रेस कहाँ का है, सब कुछ, आधार नंबर वगैरह सब कुछ। मतलब यहाँ पर आपका जैसे अकाउंट लॉगिन होगा आपका आधार कार्ड भी यहाँ शो कर रहा है प्रोफाइल में। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आधार डाउनलोड काम नहीं कर रहा है, बैंक लिंक स्टेटस काम नहीं कर रहा है, वर्चुअल आईडी काम नहीं कर रहा है। अभी क्या काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आधार PVC और अपडेट आधार ऑनलाइन। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो अपने मोबाइल में तो यहीं से भी आप अपने आधार में अपडेट कर सकते हो। अपना अकाउंट लॉगिन करो, फिर यहाँ अपडेट में क्लिक करना है। नीचे देखते हैं और क्या है, यहाँ रिकॉर्ड दिखा रहा है रिक्वेस्ट। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट मतलब जितना भी आप रिक्वेस्ट करोगे, जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब एक लिस्ट बनते जाएगा। साथ में ऑर्डर करोगे अपना आधार कार्ड तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब एक लिस्ट बनते जाएगा, एक ड्राफ्ट बन जाएगा। ये अभी दोनों लिंक काम कर रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर कैसे काम करना है ये पर यहाँ पर ये बता के रखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, कैसे करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर साफ साफ बता के रखा है कि ₹50 पे करना पड़ेगा अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हो तो यहाँ ₹50 पे करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर चेंजिंग करने का क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो प्रोसीड टू अपडेट आधार में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज, सबसे पहले एक लैंग्वेज का ऑप्शन है, नेम का ऑप्शन है, और देखिए यहाँ DOB का भी ऑप्शन है, लेकिन ये सब हाइड किया गया है अभी, इन तीनों में अभी क्लिक नहीं हो रहा है। अभी देखिए जेंडर में क्लिक हो रहा है, मतलब जेंडर चेंज कर सकते हो। एड्रेस में क्लिक हो रहा है, मतलब एड्रेस भी चेंज कर सकते हो।
उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए अपलोड का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। मान लो हम एड्रेस चेंज करेंगे, एड्रेस में हम क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू आधार अपडेट में क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका पूरा एड्रेस दिखा रहा है, करंट डिटेल्स, मतलब अभी फिलहाल आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आधार कार्ड में एड्रेस आपका गलत है तो ऐसे ही आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर अपना केयर ऑफ जो भी आपका फादर का नाम, आपका वाइफ का नाम, सॉरी आपका हस्बैंड का नाम दे सकते हो। फिर पूरा एड्रेस डाल सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में डाल सकते हो, हिंदी इंग्लिश में डाल सकते हो। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना है, क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर एड्रेस चेंज करते हो तो जैसे कि आपका बैंक का पासबुक चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक का पासबुक सबका है तो बैंक का पासबुक दे सकते हो। जो भी एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट है उसका लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन, अपलोड में क्लिक करोगे, नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो वो पहला स्टेप जो दिखा के रखा था इसने, आपको ₹50 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये अभी हम कुछ भी नहीं किए लेकिन ये ड्राफ्ट में आ गया आधार अपडेट, मतलब ये रिक्वेस्ट में आ चुका है, रिक्वेस्ट लिस्ट में आधार अपडेट कि आपका URN नंबर ये है, आप क्रिएट किए हो, मतलब एक तारीख आज के डेट में आपने अप्लाई किया है, और स्टेटस क्या है, ड्राफ्ट में है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है ड्राफ्ट स्टेज। यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन है, मतलब आप आधा अधूरा काम करके भी छोड़ सकते हो। यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो बाद में इसे डिलीट भी कर सकते हो, या फिर रिज्यूम मतलब आधा काम किया आज फिर आधा कल कर सकते हो, या फिर पेमेंट कल कर सकते हो, आज पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम रिज्यूम में क्लिक करते तो देखिए यहाँ पर फिर से ले जाता है इसको। तो UID का ये एक अच्छा सोच है, अच्छा वेबसाइट लॉन्च किया है, ये बीटा वर्जन में शायद चल रहा होगा, आने वाले टाइम में हो सकता है और भी सुविधा दे, लेकिन यहाँ पर जितना भी सुविधा है ओल्ड वाले वेबसाइट में वो सारा सुविधा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड ही देखने को मिल जाता है, आपका अकाउंट एक ओपन हो जाता है, मतलब जैसे आप लॉग इन करते हो लॉग इन का एक ऑप्शन लगा दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ जितना भी आप अपडेट करोगे वो यहाँ पर लिस्ट शो करेगा। एक अच्छा सर्विस है। चलिए इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता है ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।